हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सूखी सब्ज़ी। तो चलिए उसकी रेसिपी देख लेते हैं। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम का पनीर, 3 बड़े कटे टमाटर, 6 बड़े कटे प्याज, 2 चिली, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया के पत्ते, थोड़े करी लीव्स और 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच चिली पाउडर। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी जीरा डाल दिए। जीरा जब थोड़ा चटक गया तो करी लीव्स डाल देना। करी लीव्स को थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए। उसके बाद कटी हुई प्याज और चीनी डाल दीजिए। प्याज को अच्छे से भूनने के लिए 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए। हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी कटे हुए पनीर डाल देंगे। पनीर और प्याज को अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। फिर 2 मिनट के बाद इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार डाल के उसे अच्छे से 2 मिनट के लिए फिर से फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे प्याज और पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पनीर, प्याज, टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए। बाकी फ्रेंड्स, इसे कवर नहीं करना है, बिना कवर किए हुए फ्राई करना है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अभी लास्ट में यहाँ पे धनिया के पत्ते डाल देंगे। मेरे पास फ्रेश वाला नहीं था फ्रेंड्स, आप फ्रेश वाला डालिएगा। मेरे पास सूखी वाले था, मैं सूखी वाला डाल दी हूँ। फिर लास्ट में यहाँ पे जीरा पाउडर डाल के 2 मिनट के लिए गैस में इसे बिठा देंगे। हमारी पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और यम्मी लग रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।